हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टश ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट यू मस्ट हैव हर्ट द क्रिकेट एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्टिंग द गेम आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई भी गेम होता है चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके स्टार्ट होने से पहले वैदर डिस्कस करते हैं क्यों क्योंकि क्रिकेट आपको पता है ना ओपन ग्राउंड में खेला जाता है और बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जो ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं तो वेदर क्यों डिस्कस करते हैं क्योंकि अगर रेनिंग होगा बारिश आ रही होगी तो क्रिकेट नहीं हो सकता तो इसलिए वेदर डिस्कस किया जाता है हैव यू एवर वंडर्ड वाई द वेदर मे हैव अ ग्रेट कलेक्ट इफेक्ट ऑन द गेम अ क्लाउडली वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच और स्टॉप इट ऑल टूगेदर बाई ब्रिंगिंग शार्स ऑफ रेन अगर बारिश होगी तो गेम नहीं हो पाएगा इसलिए गेम स्टार्ट होने से पहले हम वेदर डिस्कस करते हैं similarly you must have also heard elders in your family discussing about the weather before planning a family function agar hamare ghar mein koi function hai to hume kis weather mein karna hai हम पहले से डिसाइड करते हैं। in fact many of our daily activities are planned as per weather predicted for that day मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो हम पहले क्या सोचते हैं पहले वेदर देखते हैं कि उस दिन मौसम कैसा होगा तो हमें किस तरह के क्लोथ्स पहनने होंगे किस तरह की प्लानिंग से हमें जाना होगा दस

तो हम कैसे क्लोथ्स लेकर जाएंगे वुलन क्लोथ्स क्यों क्योंकि वहाँ पर जो वेदर होता है वो ठंडा होता है बिकॉज द क्लाइमेट ऑन द हिल स्टेशन इज ऑलवेज कोल्ड यू नीड नॉट कैरी वुलन क्लोथ्स इफ़ यू आर गोइंग टू कोस्टल एरियाज लाइक गोवा एंड मुंबई बिकॉज द क्लाइमेट देयर इज नॉट कोल्ड अगर हम मुंबई या गोवा जा रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि ठंडा मौसम नहीं होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे वुलन क्लोथ्स नहीं लेकर जाएंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट तो हमें क्या समझना है कि वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग चीज़ें हैं इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट एनिमल्स किस तरह से अपने हैबिटेट में रहते हैं और क्या क्या उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उस क्लाइमेट में रहने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वेदर वेदर अ सिंपल अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़ पेपर इज गिवन इन फिगर आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आपको ब्लू बॉक्स के अंदर एक फिगर दिखाई दी दी है इसमें क्या लिखा हुआ है हम पहले ये फिगर पढ़ते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस प्लस थ्री मीन्स जितना होता है उससे ज़्यादा तीन डिग्री सेल्सियस है मीन्स ज़्यादा गर्मी है मिनिमम ट्वेंटी एट डिग्री ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस प्लस टू ये भी मिनिमम भी दो डिग्री ज़्यादा है मून राइज़ सन्डे फोर फोर्टी फाइव पी एम मीन्स जो मून है वो शाम को चार बजकर पैंतालीस मिनट पर निकलेगा संडे को और मून सेट मंडे को थ्री ए एम रात को तीन बजे छुप जाएगा सनसेट संडे सेवन इलेवन पी एम सन सेट होगा सेवन बज के एलेवन पी एम पर और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फाइव फोर्टी फोर पर सन राइज़ होगा पार्टली क्लाउडी स्काई Uh, Thundery development likely in some areas. Maximum and minimum temperature on Sunday likely to be 37 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. Maximum humidity on Sunday was 66 degree minimum 53 degrees. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमें इन्होंने टेम्परेचर बताया मून राइज़ का टाइम मून सेट का टाइम सन राइज़ का टाइम सन सेट का टाइम और ह्यूमिडिटी तो ये सब चीज़ें हमें वेदर रिपोर्ट में दी जाती हैं इसके अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि अगले दिन किस तरह का मौसम रहने वाला है किस तरह का पॉसिबिलिटी है कि कैसा मौसम होगा तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें अब देखिए वेदर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना होगा नंबर वन इज टेम्परेचर द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स वॉज थर्टी सिक्स पॉइंट डिग्री सेल्सियस जो कि प्लस थ्री था इन ब्रैकेट्स मीन्स दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज थ्री डिग्री सेल्सियस अबब नॉर्मल ये नॉर्मल से तीन डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स वॉज 28.6 डिग्री सेल्सियस जो दो सेल्सियस दो डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है मींस दैट मिनिमम टेम्परेचर इज टू डिग्री सेल्सियस अबब नॉर्मल सेकेंड थिंग मून राइज एंड मून सेट द मून विल राइज ऑन संडे एट फोर फोर्टी फाइव पी एम सेट ऑन मंडे एट थ्री जीरो थ्री ए एम और सनसेट और सनराइज द सन विल सेट ऑन संडे एट सेवन एलेवन पी एम एंड राइज ऑन मंडे एट फाइव फोर्टी फोर ए एम ह्यूमिडिटी मेजर्स ऑफ द मॉइस्चर इन एयर द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द पास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स वॉज सिक्सटी सिक्स डिग्री एंड द मिनिमम ह्यूमिडिटी वॉज फिफ्टी थ्री डिग्री ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है हम उसको कहते हैं नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्ट अब इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम वेदर को कैसे फोरकास्ट करेंगे कैसे इसके बारे में बताएंगे कि कैसा वेदर आगे रहने वाला है द फोरकास्ट ऑफ वेदर फॉर द डे संडे इन दिस केस टेल्स अर्थ दैट द स्काई इज़ पार्टली क्लाउडी विच मीन्स इट मे रेन बारिश हो सकती है थंडरिंग इज एक्सपेक्टेड इन सम एरियाज कुछ एरियाज में बिजली चमक सकती है थंडरिंग मीन्स बिजली चमकना द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर प्रिडिक्टेड फॉर द डे आर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली मीन्स जो मैक्सिमम होगा वो थर्टी थर्टी सेवन होगा मिनिमम ट्वेंटी एट होगा अब थर्टी सेवन और ट्वेंटी एट हमें क्या बताता है कि मौसम में गर्मी रहेगी

द एटमोसफेयरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एट्सिकट्रा इस कॉल्ड द वेदर वेदर क्या है एटमोसफियर की कंडीशन किसी भी एक पर्टिकुलर दिन को किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर किस किस की चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल और विंड की डायरेक्शन और स्पीड इन सब चीज़ों को देखते हुए हम किसी भी जगह का वेदर बता सकते हैं द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर जो चीज़ें वेदर को प्रिडिक्ट करने में वेदर के बारे में बताने में हमें हेल्प करती हैं उन सब को हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ द वेदर नाउ इन द बॉक्स

मौसम की रिपोर्ट या वेदर रिपोर्ट बनाता है और सब जगह भेजता है दिस डिपार्टमेंट वॉज डिफरेंट यूजेज डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टू कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर प्रेशर विंड स्पीड विंड डायरेक्शन ह्यूमिडिटी क्लाउड फॉर्मेशन एंड मेक्स द वेदर फोरकास्ट इनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे ये टेम्परेचर प्रेशर विंड स्पीड विंड डायरेक्शन ह्यूमिडिटी ये सब चीज़ें मेज़र करते हैं और फिर ये बताते हैं कि कितना लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में था कितना अब है और कितना आगे एक्सपेक्टेड है तो इस तरह से वीट जो हमारी वेदर की रिपोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज द सन कॉजेज चेंजेज इन वेदर अब एक्चुअली देखिए चाहे टेम्परेचर हो चाहे ह्यूमिडिटी हो या विंड स्पीड हो रेनफॉल हो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सन कितनी तेज़ी से हीट दे रहा है हमें या सन की हीट हमारे अर्थ तक कितनी ज़्यादा पहुंच रही है इस पर डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें सो द सन इज़ द मेन रीज़न टू चेंज इन वेदर

We will study here about the sun. The heat of the sun is absorbed and reflected by the earth's surface, oceans and atmosphere. It plays an important role in determining the temperature at any place. It, if the temperature of air or atmosphere around us on a particular day is high, we say that the weather is hot. Agar hamari earth par. टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या बहुत गर्मी है वैदर कैसा है गर्म है इफ़ द temperature ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ लो वी से दैट द वैदर इज़ कोल्ड अब आपको पता है जिस दिन बारिश होती है उस दिन मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है गर्मी कम हो जाती है और जिस दिन नहीं होती जिस दिन धूप तेज़ निकलती है उस दिन क्या होता है हमारा वेदर हॉट हो जाता है नंबर टू द हीट ऑफ द सन कॉज इज दॉटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ओशियन एंड लैंड टू इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर अब जिस दिन धूप ज़्यादा तेज होती है हो, उस दिन क्या होता है हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं या हमारे लैंड पर जितना भी वाटर है ये धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और क्या बना देता है वाटर वेपर द वाटर वेपर राइजेज हाई अप इन द एटमोसफियर जो वाटर वेपर हैं ये ऊपर की तरफ उठते हैं गेट्स कूल्ड ठंडे हो जाते हैं कंडेंसेज इकट्ठे हो जाते हैं एंड फॉर्म्स क्लाउड्स और इनसे क्या बन जाता है वाटर वेपर से क्लाउड्स इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ हाई और मॉइस्चर इन द एयर अगर हमारी एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है वी से दैट द वेदर इज़ ह्यूमिड अब आजकल जैसे बारिश हो रही है तो हम क्या कहते हैं हमारी एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है ह्यूमिडिटी कैस ज़्यादा हो गई है ये हमें कैसे पता लगता है हम अगर क्लोथ्स जो हमारे गीले होते हैं हम उनको सूखने के लिए डालते हैं तो वो जल्दी से नहीं सूखते हैं हमें स्वेटिंग होती है पसीना आता है लेकिन वो जल्दी से नहीं सूखता है क्यों नहीं सूखता है क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा है और जब एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो ये हमारे स्वेट को हमारे क्लोथ्स में से वाटर को इवेपोरेट नहीं कर पाता ज़्यादा इसकी वजह से हमारे क्लोथ सूखने में टाइम लगता है हमारा स्वेट सूखने में टाइम लगता है और हम इसको कैसे जानते हैं दिस इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी यहाँ पर फिर से एक फैक्ट आया है साइंस का क्या है देखते हैं सम न्यूज़ पेपर्स कैरी द वेदर डाटा फॉर सम ऑफ द मेजर सिटीज आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़े बड़े सारे शहरों का वेदर रिपोर्ट दिया होता है टेलीविज़न एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स ऑल्सो इनक्लूड वेदर रिपोर्ट्स आपने देखा होगा टी वी में भी रेडियो में भी हम बहुत सारे शहरों का एक साथ वेदर रिपोर्ट देखते हैं दिस हेल्प अस टू प्लान आर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द वैदर एंड अलाउज़ पीपल टू बी प्रिपेयर फॉर द बैड वेदर इससे हमें कहीं भी जाना है तो हम पहले से सोच सकते हैं प्लान कर सकते हैं कि वहाँ पर वेदर कैसा होगा या हम कैसी किस तरह से जाएं किस तरह की प्लानिंग करें किस समय पर हमें वहाँ जाना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है सो नंबर थ्री वी नो दैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस हम जानते हैं कि सन जो है वो हीटअप करता है हमारी अर्थ की सरफेस को गर्म कर देता है द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ हीट्स द एयर नियर इट जो एयर हमारी सरफेस के हमारे ज़मीन के पास होती है वो गर्म हो जाती है दिस हॉट एयर बींग लाइटर अप क्योंकि ये गर्म हो गई तो ये ऊपर उठ जाती है राइजेज अप ऊपर उठ गई क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर अब जब एयर ऊपर उठ गई तो नीचे क्या रह गया लो प्रेशर का एरिया एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया अब जो साइड में एयर होती है वहाँ पर प्रेशर हाई है और हमारी लैंड के ऊपर से एयर उठ गई तो वहाँ पर प्रेशर लो है तो क्या होता है साइड से एयर मूव करने लगती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड और इससे हवा चलने लगती है और इस चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं विंड सो इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज द वंड टू ब्लो ये सन की हीट की वजह से ही हवा चलती है वैना लॉट ऑफ एयर ब्लोज जब बहुत हवा चलने लगती है वी से दैट द वैदर इज़ विंडी आपने देखा होगा अगर हवा बहुत तेज चलने लगे तो हम कहते हैं वैदर कैसा है विंडी ऐसा यही सब चीज़ें हमने लेसन uh, हीट जो पढ़ा था फिजिक्स का उसमें भी पड़ी थी कि किस तरह से सी uh, ब्रीज और लैंड ब्रीज क्रिएट होती है आप लोगों को याद होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कैसे क्रिएट होती है हम बिल्कुल वही बात यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक जगह वाटर और एक जगह लैंड नहीं है यहाँ दोनों जगह लैंड है तब क्या होगा जहाँ पर हाई प्रेशर होगा एयर का वहाँ से एयर मूव करेगी किधर लो प्रेशर एरिया की तरफ और इससे विंड मूव करने लगती है विंड चलने लगती है और इसी को हम कहते हैं विंडी वेदर